चलो अब हमें टाइप्स ऑफ टैरि वो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग क्योंकि ये ऐसा होगा कि ना पर्टिकुलरली क्या होगा कि कोई भी एक टैरिफ आपको एक्सप्लेन करने को आ जाएगा कि जी ये टैरिफ आप एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले आपको दिया हुआ टैरिफ ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस ठीक है इंसिडेंस का मतलब होता है कि किसके ऊपर इंसिडेंस का मतलब होता है ना कि किसके ऊपर वो घटित हुआ दैट इज टैरिफ ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस तो हिंदी के लिए थोड़ा एक्सक्यूज मी बट ठीक है आपको आनी चाहिए हमारी तो मातृभाषा है

यार हमें दिखता है कि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो रहनी चाहिए बची रहनी चाहिए उसमें पहले हमारी देश के लोग कंज्यूम करें बाद में फॉरेन के लोग आने चाहिए तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में हम एक्सपोर्ट टैरिफ लगा देते हैं ताकि उन चीजों का एक्सपोर्ट कम से कम हो पहले कर, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाए आगे इवन टूडे मेनी टैरिफ एग्जिस्ट बट एट मच रिड्यूसड रेट्स इन आर डिस्कशन मेन फोकस विल बी ऑन इम्पोर्ट टैरिफ

डेवलप्ड इकोनमीजेड स्टेट डू नॉट ट्रेड एक्सपोर्ट टारेफ बट डेवलपिंग ऑन दर ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट टू गेट बेटर प्राइस दट ट्रेडिस तुम रोक देते हो ताकि वो लोग तुम्हें कॉम्पिटिशन के चक्कर में तुम्हारे चीज मंगाने के चक्कर में तुम्हें एक अच्छा रेट दे ताकि तभी तुम एक्सपोर्ट एक करके अच्छा पैसा जो है कमा सके राइट right? चलो तो आसान से था अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलशन इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है तो ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन तो दो तरीके से तो एड वेलोरम कुछ कुछ समझ में आ रहा है वैल्यू में कुछ भी तुम क्या कर रहे हो एड कर देते हो स्पेसिफिक का मतलब है एक तुमने चार्ज है, right. तो कोई मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या है क्या नहीं है इट्स जस्ट कि तुम्हें ये है कि अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हें इतना टैक्स देना है

तो कंपाउंड टैरिफ स्टूडेंट क्या होता है स्पेसिफिक और एड वेलेरम का दोनों का मिक्स करके आपके पास क्या बन जाता है कंपाउंड टैरिफ स्पेसिफिक टैरिफ इज अ फिक्स्ड फी लेवी पर यूनिट और अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड ऑफ वेट और मेजरमेंट ऑफ एन इंपोर्टेड कमोडिटी राइट दिस टैरिफ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गुड इंपोर्टेड

दो हजार तक के लिए तुम्हें इतना देना पड़ेगा मतलब वो तुम्हारे किस पर डिपेंड करता है फिजिकल यूनिट्स के ऊपर तो वो किसी भी बेसिस पे वो डिसाइड कर लेंगे ठीक है कि इस चीज के उपर, इतनी यूनिट के ऊपर ऊपर यूनिट इतना तुम्हें टैक्स देना है जबकि एड वेलरम जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू ये वैल्यू के हिसाब से स्टूडेंट्स चार्ज किया जाएगा दिस टाइप ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ द गुड्स वैल्यू एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेजरमेंट

और लास्ट हमारे पास कौन सा कंपाउंड तो कंपाउंड दोनों को मिला करके बनता है कैसे जैसे देना पड़ेगा ठीक है सो डॉलर के हिसाब से और अगर दो सौ डॉलर का सामान है फिफ्टीन परसेंट के हिसाब से तुम्हें कितना देना पड़ जाएगा तीस डॉलर स्पेसिफिक में क्या है तुम्हें इंपोर्टेड मशीन है कोई इस मशीन के ऊपर तुम्हें इतना टैरिफ देना है टाइप के ऊपर ये चीज है ठीक है तो

दस डॉलर तो तुमको देना ही पड़ेगा दस परसेंट जो कि दस आ गया प्लस तुमको ट्वेंटी डॉलर तो देना ही देना है क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक स्पेसिफिक ड्यूटी तुम्हें इतनी परसेंट भी देनी है तो ऑन ईच मशीन ए ऑफ डॉलर डॉलर एंड राइट तो कैसे कैलकुलेट किया गया कि भाई डॉलर टेन ये हो गया प्लस दो सौ रुपए की मशीन है तो दो सौ का दस परसेंट तुम्हें ये देना पड़ेगा इस हिसाब से जो तुम्हारा कैलकुलेशन है वो किया जाएगा राइट right? ठीक है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स यूज बोथ एड वेलरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जैसा कि हमने डिस्कस किया टेरिफ के दोनों मोटिव हो सकते हैं राइट अकॉर्डिंग टू द टेरिस में भी क्लासिफाइड रेवेन्यू टेरिफ एंड प्रोटेटिव टेरिफ

On the The other hand, protective tariffs tariffs are to to provide protection to domestic producers from competition. The rates of these are not so high as to completely prohibit their imports into a completely country. मतलब हाई नहीं रहेगा क्योंकि तो उनको ये नहीं चाहिए ना कि पूरी तरीके से import रुक जाए स्टूडेंट बार बार समझो कोई भी सरकार पूरी तरीके से इंपोर्ट रोकना नहीं चाहती सर्टेन एरियाज में क्योंकि तो जब तक इंपोर्ट नहीं होगा तब तक क्वालिटी बेटर नहीं होगी क्वालिटी को बेटर करने के लिए इम्पोर्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज आप अच्छे से दिमाग में डाल लें राइट आगे दिया हुआ है कि प्रोटेक्टिव टैरिफ लिखा जाता है वो बस मेनली यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा उस इंडस्ट्री के अंदर और जो लोग हैं वो कंपटीशन अभी क्योंकि कम है उसकी वजह से आए

हम कोशिश करते हैं हर कंट्री कोशिश करते हैं कि वो डब्ल्यू की मेंबर बन जाए और क्योंकि अगर वो डब्ल्यू की मेंबर है तो इसमें क्या रहेगा कि जो पॉलिसीज डब्ल्यू फ्रेम करेगा तो उसकी जो मेंबरिंग कंट्रीज है मेंबरिंग जो उसके साथ के जो कंट्रीज है वो सबको वही चीजों को मानना पड़ेगा जो वो कहेगा अब कई बारी कंट्रीज जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है जैसे कि इंडिया ने रिसेंटली किया ऑस्ट्रेलिया के साथ ठीक है कि ट्रेड एग्रीमेंट क्या हुआ कि भाई मेरे सर्टेन गुड्स तुम्हारे देश में जाएंगे और तुम टैक्सेस मत लेना इसी तरीके से तुम्हारे मेरे देश में आएंगे हम भी टैक्सेस नहीं लेंगे तो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में तुम इंश्योर ये करना चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड तुम्हारी कंट्रीज के बीच में हो क्योंकि देखो टेरिस स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिस्करेज तो करेंगे क्योंकि तो जिसको इंपोर्ट करना है उसको टैक्स देना पड़ेगा तो ये चीज थोड़ी तो दिक्कत देगा तो कई बार कंट्रीज आपस में इस तरीके से हो जाती है अग्री कर जाती है कि हम एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आप हमारे देश में सामान भेजो ठीक है और हम आपके लेकिन सबके साथ नहीं ये कंट्री ऑफ ऑरिजिन पे डिपेंड करेगा ना क्योंकि तो उसने अगर इंडिया के साथ साइन किया तो वो इंडिया के साथ ही रहेगा बाकी कंट्रीज के साथ नहीं रहेगा और कई कंट्री स्टूडेंट करती क्या है कि ना अगर आपने कंट्री का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हाँ भाई मैं इस कंट्री के साथ जो है अपना ट्रेड करूंगा ठीक है तो ऐसे में अगर कंट्री ने आपसे टैक्स चार्ज भी किया है ठीक है तो लेटर ऑन आप क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री में ये शो करके कि मेरा इस कंट्री से सामान आया है कि आपको ना जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन चाहिए होता है ताकि ये बात आप अपने ऑफिशियल्स को दिखा सके देखो इसी कंट्री से सामान आया हुआ है ठीक है ताकि आप बाद में वो जो टैक्स अमाउंट आपने दिया है उसको आप क्लेम कर सके तो इस तरीके से भी टैक्सेस जो है, जो है के जाते हैं, राइट तो देखो इसमें लिखा हुआ दंट्री प्रोवाइड टू इट बाई पोलिटिकल रेशियल और रीजनालिटीजाम्पल इंडिया ट्रीटमेंट टू सर्टेन ब्रिटिश गुड्स अंडर दीमेंट ऑफ नाइनटीन थर्टी टू इंडिया ऑल्सो रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द ब्रिटिश मार्केट अगेन नॉन एम्पायर गुड्स राइट तो आप समझ रहे हो कि एग्रीमेंट साइन कर दिया गया जिसमें आपके पास क्या है कि सर्टेन गुड्स को लेकर के आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा नो टैरिफ के भाई हम आपसे कोई टैरिफ चार्ज कर ही नहीं राइट right? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिस ऑफ क्वांटम सो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम टैरिफ कैन सी क्लासिफाइड एज प्रोहिबिटिव एंड नॉन प्रोहिबिटिव टैरिफ प्रोहिबिटिव टैरिफ इज दन विच इज सो हाई

एक ऐसे तरह का टैक्सेशन जो क्या करता है जो तुम्हारे पूरी तरीके से इंपोर्ट्स को खत्म कर देता है और ये आपकी कंट्री में इनफिशियंसी लाएगा स्टूडेंट देखो बार बार हम यही समझना चाह रहे हैं कि इंपोर्ट्स के हमेशा नुकसान नहीं है इंपोर्ट्स होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी कंट्री आपको बेटर चीजों को टाइम टू टाइम अवेल करवाती है और क्योंकि इंक्रीज कंपटीशन होता है तो जिसकी वजह से कंट्रीज हमेशा ये ट्राई करती हैं कि चीजें आपको सस्ते से सस्ते दामों पे अवेलेबल करवाई जा सके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके समझने के लिए राइट right? ठीक है आगे क्या है दिस इज ट्रू ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल एंड पर्टिकुलरली टू फॉर अ कंट्रीट कट्स ऑफ ऑल इंपोर्ट्स एंड बिकम सेल्फ सफिशियंट ये ठीक है अच्छा है लेकिन किन के लिए वो कंट्री जो बिल्कुल ही सेल्फ सफिशियंट हो जाए ठीक है लेकिन course, आप समझ रहे हैं कि ऐसी कोई कंट्री नहीं हो सकती जो सेल्फ हो जाए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बिकॉज ना इतना लेबर आपके पास हो सकता ना इतनी रिसोर्सेज आपके पास हो सकते नीदर यू कैन बी ठीक है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह ही होता है कि आपके पास बहुत सारी चीजों की कमी है

इंपोर्ट किया जाता है लेकिन जब कुछ सिलेक्टेड चीजों को इंपोर्ट किया जाएगा तो वो महंगे रेट पे इंपोर्ट किया जाता है तो इसकी वजह से आपका उन चीजों को लेके जो कंजम्पशन होता है वो कम्पेरेटिवली कम रहता है जैसे कि मैं आपसे बात करूं इंपोर्टेड कार्स इन इंडिया इंपोर्टेड कार्स इन इंडिया जो है इंपोर्टेड कार्स के ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया ने काफी सारे जो लग्जरी आइटम्स है ना इस तरह के उनके ऊपर दो दो सौ परसेंट टैक्स लगा रखा है आपने एक शायद कभी ना कभी ये बात सुनी होगी आप में से जो भी स्टूडेंट क्रिकेट में इंटरेस्टेड है ठीक है तो उन्होंने ये मे, बात सुनी होगी कि जो सचिन सर है सचिन तेंदुलकर सर उनको ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर ने मैक uh, एम से नाम है मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ उन प्लेयर का तो उन्होंने ना सचिन सर को बहुत साल पहले फरारी गिफ्ट की थी राइट right? तो फरारी की जो कॉस्ट थी एट दैट टाइम व्हेन ही गिफ्टेड फरारी टू सचिन सर इट वॉज नियर अबाउट एक करोड़ के आसपास का रहा होगा है, एक या है, डेढ़ करोड़ लेकिन सचिन सर को उसको गिफ्ट को रिसीव करने के लिए ही जो टैक्सेस देने पड़े वो देने पड़े थे तीन करोड़ के आसपास क्योंकि दो सौ परसेंट ड्यूटी तो ये चीज हो जाती है राइट ठीक है